राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता एवं लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे ने गुरुवार को यह राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी राकांपा समूह के नेता अजित पवार से मुलाकात की। अमोल कोल्हे और अजित पवार की इस मुलाकात से अटकले का दौर शुरू हो गया है। अमोल कोल्हे ने कहा कि उन्होंने मुलाकात के दौरान पुणे जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र शिरूर में दो प्रमुख निवेश परियोजनाओं पर चर्चा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता एवं लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे ने गुरुवार को यह राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी राकांपा समूह के नेता अजित पवार से मुलाकात की। अमोल कोल्हे और अजित पवार की इस मुलाकात से अटकले का दौर शुरू हो गया है। अमोल कोल्हे ने कहा कि उन्होंने मुलाकात के दौरान पुणे जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र शिरूर में दो प्रमुख निवेश परियोजनाओं पर चर्चा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेता एवं लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे ने गुरुवार को यह राज्य सरकार के मुख्यालय मंत्रालय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रतिद्वंदी राकांपा समूह के नेता अजित पवार से मुलाकात की। अमोल कोल्हे और अजित पवार की इस मुलाकात से अटकले का दौर शुरू हो गया है। अमोल कोल्हे ने कहा कि उन्होंने मुलाकात के दौरान पुणे जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र शिरूर में दो प्रमुख निवेश परियोजनाओं पर चर्चा की है।